नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों के साथ। टीएमसी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने दिया आदेश, कहा प्रचार प्रसार से 72 घंटे में हटाए पीएम मोदी की वैक्सीन वाली तस्वीरें। तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के घर आयकर विभाग की छापेमारी के बाद जांच का दायरा और बढ़ा, अब रिलायंस एंटरटेनमेंट समेत 4 कंपनियों पर आईटी ने की छापेमारी। मेरठ के एक परिवार में चाची ने लगाया भतीजे पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप, परिणाम स्वरूप आरोपी के खिलाफ किया गया केस दर्ज। हरियाणा में खट्टर सरकार लाई प्राइवेट जॉब में रिजर्वेशन, अब 75% नौकरी राज्य के लोगों को ही मिलेगी। वडोदरा में एक ही परिवार के 6 लोगों ने आर्थिक तंगी के दबाव के चलते पी ली जहरीली दवा, हादसे में 3 लोगों की हो गई मौत, वहीं 2 की हालत हुई गंभीर। ट्रूकॉलर ने लॉन्च किया गार्जियन ऐप, अब इस ऐप के जरिए अपने परिवार के सदस्यों को कर सकेंगे ट्रैक। कानपुर के खेत में बेर तोड़ने पर 7 साल की बच्ची को पड़ोसी ने कुएं में फेंका, 2 दिन तक कुएं में ही तड़पती रही मासूम। तमिलनाडु में देखने को मिला अंधश्रद्धा का प्रचंड रूप, तमिलनाडु में एक ज्योतिषी ने कहा आपकी तरक्की में आपका बेटा बन रहा है बाधा, तो ज्योतिषी के कहने पर पिता ने अपने 5 साल के मासूम को जिंदा ही जला दिया। ऑस्ट्रेलिया में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी होने की वजह से देश के कई इलाकों में अब सेना संभालेगी मोर्चा। महाराष्ट्र में जलगांव के एक सरकारी हॉस्टल में महिलाओं से जबरन करवाया गया न्यूड डांस, हादसे के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में उठाया गया मुद्दा। म्यांमार में प्रदर्शनकारियों की सख्ती से दमन कर रहा है सैन्य प्रशासन, आंसू गैस के साथ गोलाबारी में अब तक 33 लोगों की हो चुकी है मौत। तमिलनाडु चुनाव से पहले वीके शशिकला ने किया राजनीति छोड़ने का ऐलान। अमेरिका में डोमेस्टिक टेररिज्म में आई तेजी, एफबीआई ने सरकार को चेताया। यूपी का एक व्यक्ति झूठे रेप केस में 20 साल जेल में काटने के बाद हुआ रिहा। भारत बायोटेक ने किया दावा, कहा कोरोना के यूके स्ट्रेन के खिलाफ 81% कारगर है कोवैक्सीन। अब संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कृषि कानूनों की कमियां बताने के लिए हर गांव में राशन पानी के साथ 10 दिन गुजारेंगे 15 किसान। गुरुवार को बांग्लादेश की यात्रा पर गए विदेश मंत्री जयशंकर, द्विपक्षीय संबंधों पर की चर्चा। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 7 दहेज रीत विवाह हुए संपन्न, सादगी भरे यह विवाह आसपास के इलाकों में चर्चा के विषय बने रहे। कोवैक्सीन के थर्ड फेज ट्रायल का रिजल्ट हुआ जारी, भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन को बताया 81% असरदार। अलीगढ़ में एक दलित लड़की की हत्या के मामले में 17 साल का लड़का हुआ गिरफ्तार, अब सेकेंड क्लास में भी मिलेगा एसी का मजा, जनरल कोच को लेकर रेलवे ने तैयार किया नया मास्टर प्लान। वर्ष 2020 में लगभग 109 बार हुआ इंटरनेट शटडाउन, एक रिपोर्ट के मुताबिक 29 देशों की लिस्ट में भारत पहले पायदान पर है। सुप्रीम कोर्ट ने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ दर्ज हुई याचिका को खारिज करते हुए कहा सरकार से अलग विचार रखना कोई देशद्रोह नहीं। लंबी कतारों से निपटने के लिए अब निजी अस्पताल भी बनेंगे टीकाकरण केंद्र, सरकार ने किया ऐलान। ST SC छात्रों के लिए ओडिशा सरकार ने खोला खजाना, CM पटनायक ने स्कॉलरशिप के लिए 101 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। पड़ोसी राज्यों की तुलना में MP में पेट्रोल सबसे महंगा, यहां पेट्रोल की औसत कीमत 98.96 रुपए पर पहुंची, जबकि बाकी राज्यों में इसकी कीमत 90 रुपए भी नहीं। कर्नाटक में सड़क दुर्घटना के बाद 27 वर्षीय एक व्यक्ति को ब्रेन डेड घोषित करने के बाद पोस्टमार्टम करते समय अचानक मुर्दा हुआ जिंदा। मुंबई में थम नहीं रहे कोरोना के मामले, अब मास्क न लगाने वालों पर कार्रवाई कर रही है पुलिस। लखनऊ विधानसभा गेट के सामने एक दरोगा ने खुद को मारी गोली, दरोगा ने मौके पर ही गवाई अपनी जान। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में रविदास जयंती के कार्यक्रम में दबंगों ने किया हमला, हादसे में भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष समेत 7 लोग हुए बुरी तरह से घायल। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 28 फरवरी को पूरे भारतवर्ष में सैकड़ों जगहों और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर, अलीगढ़, झांसी, गाजियाबाद, बागपत, कानपुर, गोंडा, चित्रकूट और लखनऊ जैसे अलग अलग जिलों में रक्तदान शिविर लगाए गए।